जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का पहले वीडियो आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग डिस्कस करेंगे और यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह जो अभी जो कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि मॉनसून सेशन चल रहा था संसद में, उसमें इस तीन क्रिमिनल बिल पर चर्चा हुए काफी अच्छे से। आप लोग इससे वाकिफ होंगे, कहीं न्यूज़पेपर में या टीवी चैनलों में आप लोगों ने इसको देखा होगा। लेकिन इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण बन जाता है, इस चीज को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक मैं पहले ही लेकर के आने वाले थे, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं इस टॉपिक पर आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर के नहीं आ पाया। बहरहाल हम फाइनली आ गए और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चीज को बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अब मामला क्या है और इस चीज में किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं। क्या अभी यह एक्ट बन गया है? तो नहीं, एक्ट नहीं बना है, अभी यह बिल है। आने वाले समय में ये प्रोसीजर आप लोगों के समक्ष मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कोई अगर बिल है तो एक कैसे बनते हैं। एनीवे, इस चीज को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मुद्दा क्या है, इस चीज को समझे। तीन क्रिमिनल बिल है और वह क्रिमिनल आईपीसी है एक, और एक है सीआरपीसी, और लास्ट वन जो है वो है आपका एविडेंस एक्ट। इन तीनों जो एक्ट है इसका नाम में परिवर्तन किया गया है। नाम में क्या परिवर्तन? जैसे आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता नाम दिया गया है और यहां पर आप देखेंगे सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बताया गया है, और एविडेंस एक्ट है उसको भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से बताने का प्रयास किया गया है। ये तो आप समझ गए कि इसका तीन नाम प्रपोज किए गए हैं और इनके ओल्ड नाम को हटाने का बात किया गया है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप ये समझ लें कि आईपीसी का क्या मतलब हो सकता है और सीआरपीसी का क्या मतलब हो सकता है और एविडेंस एक्ट का क्या मतलब है, ताकि आप इस वीडियो में जब भी मैं इसकी जब चर्चा करें तब आप लोगों को ये चीजें समझना काफी आसान हो जाए। चलिए एक छोटा सा मामला उठाते हैं कि चलिए किसी ने कोई क्राइम किया, कोई अपराध किया। अगर अपराध करते समय सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि वह मामला क्रिमिनल है, और क्रिमिनल है तो उसको किस प्रकार की सजा होनी चाहिए ये डिसाइड करता है आपका इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड कब का है? तो मैकाले के समय में, उन्हीं की शिक्षा पद्धति अभी के समय में भी विद्यमान है, आप लोग वाकिफ हैं। अभी नई शिक्षा नीति का जो न्यू प्रोसेस है जो 2020 में लाया गया वह अभी गोइंग ऑन है, उसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। एनीवे, उन्हीं के द्वारा लगभग आप देखेंगे कि 1861 में इस आईपीसी का प्रोसेस लेकर के आया गया, और इंडिया में लगभग 1862 के बाद यह आईपीसी वैलिड है मानना है, इस चीज को समझते। अब मैंने जैसे बताया है कि अगर जिस इंसान ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध क्रिमिनल केस है, अगर क्रिमिनल केस है तो उसकी किस प्रकार की सजा होनी चाहिए ये डिसाइड करेगा आपका आईपीसी। अब उसके बाद जब वह बंदा जो है उसको ये डिसाइड हो गया कि उसकी सजा कैसे होगी और कितने दिनों की होगी, ये तो आईपीसी ने डिसाइड कर लिया, लेकिन उसमें किस प्रकार का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जैसे उसके बेल कैसे किए जाए, उसमें जो भी उसको अरेस्ट करने का जो तरीका होगा कैसे उसको अरेस्ट किया जाए। जैसे आप सभी को पता होगा कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत काम करते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर हम प्यूनेटिव डिटेंशन के तहत काम करते हैं। तो कहां प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रयोग करेंगे, कहां प्यूनेटिव डिटेंशन का प्रयोग करेंगे, और कौन से पेचीदा जो मामला होगा उस केस में हम लोग किस प्रकार का वे प्रयोग करेंगे, ये सारी चीजें आपको सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है। आप इससे वाकिफ हैं लगभग, आप अगर इसकी बात करें सीआरपीसी तो ये लेट है, लगभग मेरे ख्याल से लगभग 1898 के आसपास इसको लागू किया गया था, एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा। और जो लास्ट जो है एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट का मतलब यह है कि किसी ने गुनाह किया उसको चलिए सजा भी मिल गया, अरेस्ट जैसी
ये प्रोसेस भी फॉलो हो गए, बेल की भी प्रोसेस व्हाट एवर जो भी, लेकिन जब आप बेल कराने से पहले जब मामला जब आप कोर्ट वगैरह में चलते हैं तो उसमें आपको कुछ ऑथेंटिक डेटा देने होते हैं जिसमें यह प्रूफ हो पाए कि आप विक्टिम नहीं है। सॉरी इस चीज को मैं इस तरीका से आपको बताने का प्रयास करता हूं कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है और आप पर लोग ऐसा इंजाम लगा रहे हैं कि हाँ आपने ये जुर्म किया है, उस कंडीशन में आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपको कुछ एविडेंस देने होते हैं, कुछ प्रूफ देने होते हैं जो लीगल और ऑथेंटिक होने चाहिए, और वो चीजें बताता है आपका एविडेंस है। उम्मीद करते हैं कि ये तीन जो फिनोमेना है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इससे आप सब वाकिफ हो गए होंगे। अब यहां पर एक सबसे बड़ी प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर आवश्यकता क्या है कि इन सारे एक्ट के नाम में परिवर्तन कर देने से क्या जो है सो है, उसमें क्या परिवर्तन किया जाए, वो चीजें चल रही है सो अच्छी बात है। तो इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। दुनिया में ब्रिटेन ने जिन भी देशों के साथ अपना एक संबंध स्थापित किया, वो उनके ऊपर रूल किए, लगभग उन सारे देशों में इस प्रकार के वो लोग लॉ वहां पर रखे थे, और ऑलमोस्ट दुनिया के सारे देशों ने इस प्रकार के एक्ट को खत्म कर दिया है। आप घाना जैसे देश में जाएंगे, वो घाना जैसा देश भी इस प्रकार के जो ब्रिटेन के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उसको वो खत्म कर दिया गया। तो ऑब्वियसली बात है कि भारत जैसा देश इतना तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इन देश को भी इस पर विचार करने की जरूरत थी और इसको हटाने की बात थी। 2022 के नरेंद्र मोदी की एक डिबेट में उन्होंने कहा था कि जो हम अभी के समय में आजाद होते हुए भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस मानसिकता के तौर पर हम लोग घिरे हुए हैं, इनडायरेक्टली इसी प्रकार के कुछ एक्ट की उन्होंने बातें कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में इस चीज को हम हटाने का प्रयास करेंगे, जेन्युइनली वो चीजें दिख रहा है। देखिए गवर्नमेंट जो होती है, ऑलवेज गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, जो चीजें उनकी अच्छी है उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, और जहां उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए वहां पर आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका लीगल ये राइट है। और सरकार पर आपको क्रिटिसाइज करना, उनकी गलतियों को देखना और उनसे अपने राइट्स की डिमांड करना, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसको लेकर के आप किसी के अंधभक्त ना बने, जो भी जेन्युइन चीजें हैं, जो अच्छा है अच्छा की तारीफ करें, बुरा है उसे क्रिटिसाइज करें। एनीवे, पहला तो आपने समझ लिया कि हमने इसको क्यों लिया। दूसरा ये है कि काफी हद तक ये बात बोला जाता है इन तीन एक्ट के बारे में कि लगभग ये एक्ट कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। कुछ ऐसे एक्ट हैं इसमें, आने वाले समय में कुछ मिनटों में मैं आपके समक्ष इस बात को बताऊंगा कि लगभग कुछ ऐसे मामले हैं जिस मामले में सिर्फ और सिर्फ महिला ही केस दायर कर सकती है, मेल नहीं। कहने का मतलब है कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पर उस मामला सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन के ही एगेंस्ट किया जा सकता है, फीमेल के एगेंस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये भी कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात थी। तीसरा कंडीशन अगर मैं कहूं आप लोगों के समक्ष, इस जो नाम का जो परिवर्तन किया गया है उसमें सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है, ये बात हो सकती है अभी के समय में कि लगभग लगभग जो ये नाम है आपके, वो नाम आईपीसी जैसे इंडियन पिनल कोड, ये नाम ब्रिटेन वालों ने दिया और यह पनिशमेंट को बताता है, जबकि हम चाहते हैं कि किसी को पनिशमेंट न दे करके उस पर जजमेंट की बात किया जाए, जस्टिस की बात किया जाए, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम बदलने का प्रयास किया है, ताकि मुद्दा यह हो कि हम आजाद तो हो गए लेकिन हम उनके कानून को भी अभी तक लेकर के चल रहे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया। एनीवे, आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, मैं इन सारी चीजों को ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग इस चीज से वाकिफ होंगे। एनीवे, इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया है कि आखिर इसको लाने के पीछे के क्या उद्देश्य थे। अब यहां पर यहीं पर जान लेते हैं कि क्या इस एक्ट जो लाया गया है, क्या इस एक्ट की कुछ क्रिटिसिज्म है, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बदलाव किए जा रहे हैं उसका अपोज कर रहे हैं। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अपोज कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि आईपीसी भारतीय न्याय संहिता, ध्यान से समझिएगा, और यहां पर लिखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साख संहिता। क्या यह शब्द
सुन करके कुछ आपको अजीब क्यों नहीं होता? जी हाँ, आप वही सोच रहे हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, ये सब हिंदी और संस्कृत के मिक्सअप हैं और साउथ इंडिया के लोगों ने इसको अपोज किया है। जो तमिलनाडु के जो अभी के जो सीएम है उन्होंने अपोज किया है कि आखिर हिंदी को जबरन हम लोग के ऊपर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, जबकि आपको पता है कि जो हिंदी जो है, हिंदी आपका पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज नहीं है। उस लैंग्वेज के आधार पर हम लोग देश को नहीं चलाते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग प्रावधान है। आप इससे वाकिफ होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के जब आप पार्ट वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आप इससे वाकिफ हो जाते हैं। एनीवे, उस पर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। अब हम लोग ये चीजें समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। और जो अभी चैलेंज की बात कर रहे थे, मैंने एक चैलेंज ये बताया। दूसरा चैलेंज ये मैं बताने का प्रयास करता हूं कि जो लोग खास करके जो लॉ का वगैरह का स्टडी करते हैं, जो पुलिस विभाग में काम करते हैं, जिनको ये सारे सेक्शन याद होते हैं क्योंकि उनका वही काम है। अब उनके लिए एक सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि जैसे अभी देखेंगे कि एक आईपीसी से सेक्शन 420 है। अब 420 जैसे आपको समक्ष भी कोई कहता है तो आप इजिली समझ जाते हैं कि सेक्शन 420 का क्या मतलब होता है, लेकिन वह उसमें कुछ बदलाव करके उसको सेक्शन 316 में डाल दिया गया। एक सेक्शन है आईपीसी 302, आप इससे वाकिफ है, टू बी हैंग टिल डेथ की बात करता है, वह आपका 101 में डाल दिया गया है। जबकि 101 पहले ये था, जब जो जो भी छोटे छोटे जिसको उसको बोलते हैं इन जनरल स्नैचिंग, जिसको बोलते हैं छीना झपटी, ये छोटे छोटे जो इलीगल वर्क होते हैं उसके लिए वहां पर प्रयोग होता था सेक्शन 101। अब 302 वहां पर रिप्लेस हो जाएगा। अब इसी प्रकार के जो लगभग इतने बदलाव किए जा रहे हैं, इसको लेकर के जो लॉ के स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन करने वाले जो लोग हैं, इससे संबंधित जो लोग हैं, इतना सारा चीजों कैसे सडनली याद करेंगे? क्योंकि याद करने में एक लंबा समय लगता है। तो लगभग कुछ लोगों का ऐसा मानना है और उन लोगों ने इस मुद्दे को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि क्रिटिसिज्म समझ में आपको आ गए होंगे। चलिए बात करेंगे लास्ट में हम लोग इसको, पहले क्या क्या इसमें बदलाव किए गए, थोड़ा सा इन तीनों एक्टों को समझ लेते हैं और इससे हमको क्या बेनिफिट हुआ है ये भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आईपीसी की बात करते हैं, भारतीय न्याय संहिता। पहले अगर आप इसमें देखेंगे तो लगभग टोटल 576 सेक्शन हुआ करते थे, जो लगभग इसको घटा करके 356 कर दिया गया है। इसी में लगभग इस 576 को जो कम किया गया है उसमें 175 जो सेक्शन है उसको मॉडिफाई किया गया है, उसमें बदलाव किए गए हैं और न्यू प्रोविजन 8 जो है उसको एड अप किया गया है। लगभग इसलिए क्या बदलाव इसमें किए गए हैं, तो लगभग एक सेक्शन है आपका 124A सेडिशन है, देशद्रोह कानून, आप इससे वाकिफ है कि जो भी पर्सन अगर देश की एकता और अखंडता को चोटिल करते हैं उन पर ये सेडिशन एक्ट लगता है। सबसे पहले सेडिशन एक्ट आपको पता हो तिलक साहब पर लगा था और उनको आईपीसी 124A के तहत उनको जेल कर दिया गया था। तो लगभग आप लोगों ने ये समझ लिया कि सेक्शन 124A क्या है। क्या इसको बिल्कुल बदल दिया गया है? नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं बदला गया है इसको। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके एक नया सेक्शन बनाया गया 150, उसमें इसको रिप्लेस किया गया है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिटेड सुसाइड। कुछ लोग हुए जो आत्महत्या का प्रयास करते हैं उन पर सेक्शन 309 लगता है। और सेक्शन 376DA और 376DB ये दो प्रकार के एक्ट थे जिनको लगभग चेंज कर दिया गया है। ये है लगभग जो महिला है जिनकी एज 12 से 16 साल के बीच है, अगर उनसे अगर किसी प्रकार की अगर गैंग रेप जैसी कुछ घटनाएं होती हैं तो उस पर पहले जो आईपीसी का 376 और 376DA और DB लगता था, जिसके तहत मतलब सजा के प्रावधान थे, इन चीज को चेंज कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया है और इस कंडीशन को बदल करके अब एक नया जो सेक्शन जो एडअप किया गया है और उस सेक्शन में लगभग 18 ईयर से कम अगर जो भी महिला है उनके साथ अगर गैंग रेप की जैसी अगर घटनाएं होती है तो उस पर डायरेक्टली फांसी जैसी
बातें कही गई हैं और भी बहुत सारे प्रावधान हैं। क्या इतना ही बदलाव है? बहुत सारे प्रावधान हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ विथ एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के समक्ष यहाँ पर कुछ चीजें लिख दिया कि ताकि आपको इस चीज को एक आधारभूत समझ हो जानी चाहिए। ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, खास करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं हमको इसके लॉ स्टूडेंट है कि पूरे मतलब सब सेक्शन पूरे की डिटेल चर्चा करें, पूरे की डिटेल चर्चा करेंगे हमारे पास उतने पर्याप्त टाइम भी नहीं हो पाते हैं और आप लोगों को भी उतनी सारी चीजें डिटेल देखने में भी इंटरेस्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि एग्जाम की भी अपनी एक गरिमा है। खास करके जो लीगल चीजें है स्टूडेंट लोग उतना ही नहीं कर पाते हैं तो ज्यादा काम से कर पाए। नया की अगर बात करें तो सेक्शन 69 एडॉप्ट किया गया है अवर सेक्सुअल इंटरकेस या फेक प्रॉमिस टू मैरी। अगर कोई इंसान शादी का गलत झांसा देकर के महिलाओं पर गलत व्यवहार करता है या सेक्सुअल इंटर कोर्स के अगर कुछ मामले आते हैं तो उस पर सेक्शन 69 अप्लाइड होगा जिस पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। एक सेक्शन 70B डाला गया है और आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि सेक्शन वही जो 376D है और 376DB जो 12 से 16 साल के जो महिलाएं हैं उन पर अगर गैंगरेप की कहानी हो रही थी उसको एक एक तरीका से देखा जाए तो रिप्लेस करके लगभग ये 18 साल से कम शब्द डाल करके इसको यहां पर एडअप कर दिया गया है। अगला जो बात करें सेक्शन 109 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं कि जैसे मॉब लिंचिंग, लोग झुंड बनाए और उस झुंड में किसी की मौत हो जाए तो इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। इन जनरल जो पहले से प्री प्लानिंग होती है उस प्लान के तहत एक बड़ी से घटना को अंजाम दिया जाता है तो उसमें इन जनरल उसके लिए भी सेक्शन 109 एड अप कर दिया गया है और सेक्शन 111 ऑफेंस टू टेररिस्ट एक्ट के तहत एक नया एड अप किया गया। एनीवे आप इससे वाकिफ हो गए होंगे कि ये कहानी क्या है। अब सीआरपीसी में देखते हैं, सीआरपीसी में पहले 484 सेक्शन थे, अब इसको लगभग बढ़ाया गया है और इसमें 584 सेक्शन एड हो गए। न्यू प्रोविजन लगभग अगर मैं कहूं तो लगभग 8 है, रिमूव इसमें से 10 किए गए हैं और लॉट ऑफ को मॉडिफिकेशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट की अगर हम बात करें तो एविडेंस एक्ट पहले 167 था, इसको बढ़ा करके 170 कर दिया गया है और इसमें न्यू सेक्शन 161 डाला गया है, बाकी जो इसमें सेक्शन है उसमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं। कौन कौन से किए गए हैं ये उतना ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सारी चीजें हो रही है तो इससे कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है कि सिर्फ हम बकवास कर रहे हैं, इसकी कोई नीड नहीं थी, हम जबरन इसको लेकर के आ रहे हैं। जब तक आप इसके प्रॉफिट को नहीं समझेंगे तब तक आप एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये चीजें सही है या गलत है। तो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान है कि जेंडर न्यूट्रल, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि क्रिटिसिज्म में ही था, आईपीसी हो गया या सीआरपीसी हो गया, ये सारे जो थे इनको ऐसा माना जाता था कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आउटराइडिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमन, इसके तहत अगर इस प्रकार के अगर मामला किसी महिला पर मतलब उनके गरिमा के अगेंस्ट कुछ प्रकार के अगर कुछ धोखाधड़ी वगैरह होता है तो उस मामले में महिला के ऊपर किसी प्रकार का केस चार्ज नहीं किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेल पर ही करेंगे, भले महिला उसमें दोषी क्यों ना हो। हो सकता है कि महिला किसी सामने वाले मेल पर्सन को गलत तरीके से उसको फंसाने का प्रयास कर रही हो, ये भी बहुत सारे मामले देखे गए हैं, आप लोग इससे वाकिफ होंगे। तो एक तो ये प्रॉफिट आपको दिख रहा है, दूसरा प्रॉफिट है कि इक्विटेबल जस्टिस विल बी डिलीवर्ड विद इन 3 इयर्स। कहने का मतलब यह है कि इसमें साफ साफ कह दिया गया किसी प्रकार का अगर क्रिमिनल केस अगर मामला दर्ज हो जाते हैं तो 3 साल मैक्सिमम टाइम होगी, उससे पहले जस्टिस मिलना मैंडेटरी है। दूसरा ये भी चीज इसमें कहा गया है कि लगभग जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ कर रही है जहां जा रही है तो वहां पर आपको वीडियो बनाने जरूरी है, पूरे एविडेंस होना चाहिए, जो जरा सोचिए कितने महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके बाद इक्विटेबल चेन चार्ज सीट विथ इन 180 डेज, जो जैसे आप देखते हैं कि लगभग आप किसी मामला को लेकर के आप जाते हैं थाने वगैरह में तो वहां पर चार्ज सीट बनाई जाती है। चार्ज सीट कहने का मतलब रहता है कि जो इंसान पर आप
केस कर रहे होते हैं उस पर कौन कौन से सेक्शन लगाए जाए, कौन कौन से धारा वहां पर उन पर डाली जाए। अब इन जनरल होता क्या है कि इनिशियल स्टेज में जो पुलिस विभाग के लोग होते हैं चार्ज शीट जल्दी उसको फाइलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि पहले प्रयास करते हैं कि पहले मामला को जाना जाए कि इस पर कौन कौन से सेक्शन दायर करना है, किस पर नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे सेक्शन है उसको 24 आवर्स के अंदर ही करने होते हैं। तो लगभग क्या इतने अगर हमसे अगर इस प्रकार के चार्जशीट अगर हमने डाल दिया तो क्या हम 24 आवर के अंदर में क्या उस प्रकार के एक्शन ले पाएंगे, ये बड़ी प्रश्न है। इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, चीजें को बस समझने का प्रयास करते हैं कि मामला क्या है। ये चीजें अब उसको जल्दी किया जाएगा, चार्जशीट जल्द से जल्द बनाना होगा। उसके बाद है कि न्यू क्रिमिनल कोडिफाइड, कहने का मतलब है कि बहुत सारे जैसे अब मैकाले के समय का मामला है, बहुत दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हो गई हैं, बहुत ऐसी चीजें हो गई हैं जो उसको क्रिमिनल माना जाए या ना माना जाए, दुनिया में बहुत अजीबोगरीब कुछ हरकत हो रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के तहत कि उसको क्रिमिनल मामला माना जाए या ना माना जाए, उस चीज को यहां पर एड अप किया गया है। जैसे स्नेचिंग, जैसे आप कहीं समझिए कि आप कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप सेल्स फोन से बात कर रहे हैं, कोई आया बगल से बाइक से और आपका फोन छीन करके चला गया, क्या कहेंगे इसको? धोखाधड़ी, छीना झपटी, ये सारा चीज को इसमें ऐड अप कर दिया गया है जिसको स्नैचिंग कहते हैं, आप सभी से वाकिफ है। दूसरा चीज है इसमें ऐड किया गया है मोबलेंसी, यानी कोई भीड़ इकट्ठा होकर के किसी एक बड़े क्रिमिनल मामले को अंजाम दे, उसी को हम लोग मोबलेंसी कहते हैं। उसके लिए इस नए जो भी बदलाव किए गए हैं उसमें इसको जगह दिया गया है और इससे संबंधित आपके पनिशमेंट भी बताए गए हैं। उसके बाद है कि फिर प्रॉमिस टू मैरी, आप देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन के एरा में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस प्रकार के बहुत ऐसे बैड हरकत हो रहा है जिसमें लोग झूठे वादे कर रहे हैं और हो सकता है कि कहीं मेल ने फीमेल को बेवकूफ बना लिया और कहीं फीमेल ने मेल को बेवकूफ बना लिया। इस प्रकार के चीजें इन जनरल डेली बेसिस पर आपको कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, कहीं न्यूज़पेपर में, कहीं न्यूज चैनलों के माध्यम से आपके कान में चीजें सुनाई देते हैं और आप इसको सुनते भी रहते हैं, इससे तो इसको भी इसमें ऐड अप कर दिया गया है। उसके बाद होता है क्वेश्चन पेपर लीक, एक बड़ी समस्या है, आप सब वाकिफ हैं, अगर आप पेरेंट हैं तो आप सब कहीं ना कभी इस पेपर लीक की घटना से जरूर पीड़ित रहे होंगे। भले ही किसी को प्रॉफिट हो जाए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है, खुश रहे, ज्यादा मतलब कुछ करने की, जो लोग इससे गलत शिकार रहे हैं उनका कुछ नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं है। आने वाले समय में प्रशासन बहुत अच्छा हो रही है, आप अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आने वाले समय में आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एटीएम थेफ्ट, आप इससे वाकिफ है, एटीएम थेफ्ट की कहानी क्या है, आप बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं कि लोग गैस वगैरह लेकर घूमते रहते हैं, पैसे गायब हो जाते हैं, अजीब अजीब घटनाएं होती रहती है। एनीवे उसके बाद है कि पूंजी स्कीम, जैसे घोटाला जैसी घटनाएं होती है, इन सारी चीज को इसमें ऐड अप कर दिया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे टूरिज्म को लेकर के, सेपरेटिज्म को लेकर के, आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि कुछ ऐसे गिरोह है जहां पर वो आर्म ऐसे ही लेकर घूमते रहते हैं जिनका उद्देश्य ही सरकार के अगेंस्ट रहना है, तो उनको भी लगभग अब इस जो बदलाव किए गए हैं उसमें इनको एक क्रिमिनल केस के तहत ऐड अप कर दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि चीजों को डिजिटाइज करने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग जिस भी प्रकार के अगर ये बदलाव हो रहे हैं इस चीज को आप समझ लिए होंगे। अब लास्ट में थोड़ा सा मैं इस चीज को आप लोगों समक्ष ये बताने का प्रयास करता हूं कि क्या ये जो एक्ट है, सॉरी ये जो बिल है, क्या वो एक्ट बन चुका है? नहीं, अभी पार्लियामेंट में डिस्कस हुए हैं, एक एडवाइजरी कमेटी को यह मामला वहां पर भेजा गया है, आने वाले समय में वो लोग अपना एक रिपोर्ट देंगे। अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर रही आने वाले समय में तो डेफिनेटली इस सारे प्रोसेस को लागू करने का प्रयास करेगी। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ने भी कहा कि इसका प्रयास हम लोग पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं, बहुत सारे एमएलए एमपी ने इसको अपना एक ऑथराइजेशन दिया है कि हम इससे एग्री हैं,
कहीं कहीं सरकार का मानना है कि हम लोगों ने लोगों से जनमत संग्रह के तहत हम लोगों ने उनसे उनकी राय भी पूछी है, लेकिन इन जनरल इस प्रकार की जो चीजें होती है आने वाले समय में अगर इस प्रकार का अगर एक्शन अगर रियल में लिया जाना है तो उसमें जनमत संग्रह होना मैंडेटरी है। तो लगभग आप इससे वाकिफ हो गए कि अभी ये सिर्फ बिल है, एक्ट नहीं बना है। आने वाले समय में अगर कुछ इस प्रकार के कंडीशन अगर डेवलप होते हैं, सरकार अगर फिर से बनती है, तो लगभग लगभग आने वाले समय में आप देखेंगे कि यह बिल जो एक्ट के रूप में बनता हुआ दिखाई देगा। तो लगभग आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण चीजों पर डिस्कस किया। खास करके हम लोगों ने यह समझा कि ये तीन नाम में बदलाव किए गए हैं, उनका नाम क्या है और इस नाम से किन लोगों को किस प्रकार का मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उनको भी हमने समझाया। इसमें प्रमुख किस प्रकार के जो बदलाव किए गए हैं इस बदलाव को भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो तब तक दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर एक काफी बेहतरीन वीडियो के साथ। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा अंत में जाते जाते कि आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।